नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हो आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज की जो मेरी रिएक्शन वीडियो है, अगेन वो डॉक्टर जाकिर नायक साहब का एक रिप्लाई है। ये रिप्लाई है टू आमिर खान। हम सबको पता है जो बॉलीवुड स्टार हैं आमिर खान, उनकी दो मैरिज हुई हैं और उनकी दोनों वाइफ जो हैं वो हिंदू थीं। तो इस वीडियो का जो टाइटल है वो है डॉक्टर जाकिर नायक रिप्लाई टू आमिर खान अबाउट हिज मैरिज टू हिंदू गर्ल, डॉक्टर जाकिर नायक सवाल जवाब हिंदी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मतलब आमिर खान के बिहाफ पे किसने वो क्वेश्चन डॉक्टर जाकिर नायक से पूछे, बिकॉज डॉक्टर जाकिर नायक के साथ में ये लोग डायरेक्टली जाके इंटरेक्ट तो करते नहीं हैं, या उनकी असेंबलीज को डायरेक्टली जाके ये लोग अटेंड तो करते नहीं हैं। तो ऑब्वियसली किसी और ने उनके मतलब कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा होगा या कुछ ना कुछ होगा। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब का क्या लॉजिकल आंसर है, बिकॉज डॉक्टर जाकिर नायक तो सब बातों के एकदम से सटीक रिप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरी शादी हुई है किरण जी के साथ, वो हिंदू हैं। मेरी पहली शादी हुई थी रीना जी के साथ, वो हिंदू हैं। हमारे बच्चे जो अभी 3 बच्चे हैं वो आधे हिंदू हैं आधे मुसलमान हैं। मेरी जो 2 बहनें, एक बड़ी बहन है एक छोटी बहन है, दोनों की शादी हिंदुओं से हुई है, उनके पति दोनों हिंदू हैं। जो मेरे चचेरे भाई हैं मंसूर, उनकी शादी हुई है क्रिश्चियन के साथ, जो वो मेरी कज़न है, मेरे चचा की बेटी। उनकी पहली शादी हुई थी बंगाली लड़के के साथ, दूसरी शादी हुई कश्मीरी पंडित के साथ। हेलो डॉक्टर साहब, मेरा नाम है अरुमा गुप्ता और मैं ग्रेजुएट कर चुकी हूँ। मेरा सवाल है कि अगर एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की शादी करे, और अगर ऐसा हो कि वो मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के घर में नमाज पढ़े और वो हिंदू लड़की उसके घर में जाकर पूजा भी करे, तो ये क्या जायज़ है या नाजायज़ है? बहन का अच्छा सवाल है कि अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो क्या वो मुसलमान लड़का हिंदू के घर में जाके नमाज पढ़ सकता है, और क्या वो लड़की मुसलमान के घर में पूजा कर सकती है नहीं? सबसे पहले कुछ शरायत है हर चीज के। आप अगर गाड़ी रखेंगे और गाड़ी का एक पहिया रखेंगे साइकिल का, एक पहिया रखेंगे ट्रैक्टर का, तो गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं चलेगी। या चारों साइकिल कर दो या चारों ट्रैक्टर कर दो। इसीलिए कुरान की आयत है सूरह बकरा की, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मुशरिका से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान ना लाए। मतलब जो गैर मुस्लिम है और शिर्क कर रही है उससे आप शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान ना लाए। और एक ईमान लाने वाली औरत चाहे कितनी भी बदसूरत हो वो एक मुशरिका से बेहतर है। और आगे आयत कहती है कि लड़कियां मुशरिक लड़के से शादी नहीं कर सकती जब तक वो ईमान ना लाए। एक मोमिन आदमी चाहे कितना भी बसूरत हो वो बेहतर है बनिस्बत जो शिर्क करता है। इसकी वजह ये है कि इस्लाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के अलावा किसी को और पूछते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुभाना व ताला अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। अगर एक इंसान मुशरिक जैसा मर गया तो अल्लाह ताला कभी भी उसे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मुशरिक वो शख्स है जो शिर्क करता है और ये सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा भगवान, अगर हम उसको गाली देंगे ये सबसे बड़ा गुनाह है। जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने ये सारी चीजें हमें दी दुनिया में, अगर हम उसको गाली देंगे उसके अलावा किसी और की इबादत करेंगे ये शिर्क हुआ। तो इसीलिए इस्लाम में इजाजत नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का या लड़की कोई मुशरिक लड़का या लड़की से शादी करे, तो इजाजत नहीं है। जहां तक के सवाल है क्या एक आम मुसलमान हिंदू घर में नमाज पढ़ सकता है, अगर उसके सामने कोई मूर्ति नहीं है तो वो नमाज कहां भी पढ़ सकता है अगर जगह साफ है।
हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सारी दुनिया सारी धरती मोमिन के लिए मस्जिद है। यानी सारी दुनिया आप कहाँ भी नमाज पढ़ सकते, देखना चाहिए कि साफ है, आप नमाज पढ़ सकते। तो ये आप जाके अगर हिंदू का घर में जाते हैं और वह साफ है, कोई मूर्ति आगे नहीं है, तो नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको शादी करना चाहिए फिर आप नमाज पढ़ सकते, शादी करने की ज़रूरत नहीं है। नमाज पढ़ने का अगर साफ जगह है तो कोई हर्ज नहीं। इसीलिए शादी के लिए शर्त है कि दोनों का ईमान हो। और अगर आप हिंदू मज़हब पढ़ेंगे तो हिंदू मज़हबी किताब में भी ये लिखा है जो मैंने पहले पेश किया, पहला जो सवाल था भाई साहब का, और मैंने कहा कि हिंदू मज़हब में भी ये लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैचू नहीं। अगर ये मान ले कि कम अज कम जो यक्सा है हिंदू और इस्लाम के मजहबी किताब में, कम अज कम उसके ऊपर अमल करे तो अक्सर हमारे मुश्किलात दूर हो जाएंगे। जो यक्सा नहीं है उसको कल डिस्कस कर सकते। और अगर आप तहकीक करते हैं, तहकीक करते हिंदू मजहब की किताब पढ़ते और इस्लाम मजहब की किताब पढ़ते, दोनों में लिखा है खुदा एक है, दोनों में लिखा है खुदा का कोई अक्स नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा का कोई बुत नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए, दोनों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, दोनों में लिखा है कि शराब नहीं पीना चाहिए। मैं हवाले दे सकता हूँ और मैं तकरीर एक दिया हूँ, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में अक्सानियत। दोनों किताब में आप अगर पढ़ेंगे कुरान मजीद में सूरह माईदा सूरह 5 आयत नंबर 90 में लिखा है कि शराब पीना हराम है। अब मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 225 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है शराब पीना हराम है। कुरान में लिखे सूरह माईदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल चैप्टर 16 वर्स 115 में हुर्रमत अलैकुमुल मैतुतु वद्दमु वलामुल खिंजीर ममा उहिल्ला लिगैरिल्लाह भी, क्या आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, सुअर का गोश्त और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है। आप अगर हिंदू मजहबी किताब पढ़ेंगे उसमें भी लिखा है क्या सुअर का गोश्त खाना हराम है। अगर आप तहकीक करेंगे काफ़ी अक्सानियत है। इस्लाम मजहबी किताब में लिखा है कुरान में सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 के अंदर हिजाब के बारे में, औरत को अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब में होना चाहिए, सर से ढका होना चाहिए उसका जिस्म, सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हथेली तक के। आप अगर हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे ऋग्वेद, ऋग्वेद बुक नंबर 8 में लिखा है और ऋग्वेद बुक नंबर 10 में भी लिखा हुआ है कि औरत को अपने सिर के पल्लों को डालना चाहिए चेहरे पे। ऋग्वेद में भी लिखा है कि जब मर्द को देखे तो नजर नीचे करना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखा है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 कि जब भी कोई खातून मर्द को देखती है जो उसका शौहर या करीबी रिश्तेदार नहीं है, और जब भी कोई मर्द कोई औरत को देखता है और करीब रिश्तेदार नहीं है, तो उसे नजर नीचे करना चाहिए। तो इस तरीके से आप तहकीक करेंगे जो यकसानियत है उसके ऊपर तो अमल करो। तो यकसानियत है हिंदू और इस्लाम मजहब में जो मजहबी किताब में लिखा है, लेकिन अफसोस की बात है कि मजहब के ठेकेदार ये चीज का जिक्र ही नहीं करते। क्यों? इसीलिए मैं हवाले देता हूं, मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं अपने आप को तालिबे इल्म कहता हूं, लेकिन मैं हमेशा हवाला देता हूं। तो किसी को भी शक है, किसी को भी शुबा है तो घर पे जाके चेक कर सकता है या इंटरनेट पे जाइए, आप टाइप करो, वेद भी इंटरनेट के ऊपर है, कुरान भी इंटरनेट के ऊपर है, टाइप करो, रेफरेंस टाइप करो, आपको हवाला मिल जाएगा। तो इसीलिए गाड़ी चलने के लिए दोनों का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वही होना चाहिए, इसीलिए दोनों लोग मोमिन होना। अगेन एक और डाउट था जो आज डॉक्टर जाकिर नायक साहब की ये वीडियो देखने के बाद में क्लियर हो गया है। मैंने कई देखे हैं ऐसे किस्से नहीं कहेंगे हम, मतलब ऐसे मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो मुस्लिम लड़के हैं इफ़ दे आर इन लव विद अ हिंदू गर्ल विद नॉन मुस्लिम गर्ल, तो वो ऑब्वियसली अपनी फैमिलीज को कन्विंस करते हैं कि मुझे इसी से मैरिज करनी है। चलो फैमिलीज आजकल थोड़ी सी ब्रॉड माइंडेड हैं या बच्चों के सामने झुक जाते हैं थोड़ा सा कि चलो कोई बात ही करने दो इन्हें, तो मतलब सच में मैंने ये देखे हैं उस टाइम पे एक कंडीशन, मतलब एक दो केसेस मेरे साथ में ऐसे रहे हैं
उसमें लड़की की फैमिली ने ये कंडीशन रखी थी कि ठीक है इफ यू आर रियली विलिंग टू मैरी आवर डॉटर तो आपको हिंदू धर्म अपनाना पड़ेगा। तो लड़की की फैमिली ने हाँ कर दिया था कि ठीक है कोई बात नहीं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर ये हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करता है। तो प्रॉपरली पूजा करवाई गई थी, पंडित जी आए थे, पंडित जिन्होंने जनेऊ बनाया, वो जनेऊ होता है एक होली थ्रेड होता है जो बड़ा सा होता है, पूरा नेक से लेके ऐसे तक बांधा जाता है, वो पहनाया था। तो प्रॉपर रिचुअल्स के बाद में उस लड़के ने हिंदू धर्म को कबूल कर लिया था। बट आफ्टर मैरिज उसने कंटिन्यू किया, मतलब अपना नमाज पढ़ना, रोजे रखना। और एक दिन बातों बातों में मैंने जब उनसे पूछा कि आपने तो हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर लिया था, फिर मतलब अब आप ये सब नमाज वगैरह दोबारा से करने लग गए। ऑल्दो उनकी वाइफ जो है घर में, उन्होंने भगवान जी की फोटोज रखी हुई हैं, बट जो वाइफ क्या करती है, भगवान जी की भी पूजा करती है, साथ में वो कुरान भी सीख रही है। अभी तक जब मैं उनसे मिलती थी, उनकी बातें सुनती थी कि चलो वो हिंदू धर्म को भी फॉलो कर रहे हैं और इस्लाम को भी, तो सब कुछ मुझे ठीक ठाक से लगता था। लेकिन अभी ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि दे बोथ आर सेलिंग ऑन टू बोर्ड्स, जिसमें कभी कुछ भी हो सकता है। मीन्स उन्होंने अगर हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करना है तो उन्हें हिंदू रिचुअल्स को, हिंदू कल्चर को फॉलो करना चाहिए। अगर उन्होंने इस्लाम में रहना है तो उन दोनों को इस्लाम धर्म को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। अब वो क्या कर रहे हैं भगवान जी को ही पता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, बट ये सच है कि वो लोग अभी कोई हिंदू फेस्टिवल आता है तो उसमें भी पूजा पाठ करते हैं, और जब उनका रोजे होते हैं या जब नमाज करना होता है, वो लड़की तो कुरान सीख ही रही है, तो वो बहुत कहानियाँ भी सुनाती है मुझे, ये जिन वगैरह वाली जो सारी होती हैं। तो लेकिन ये गलत है, यहाँ तक मुझे मतलब लग रहा है कि अगर आपको किसी भी एक रिलीजन को फॉलो, ठीक है आपके दिल में मतलब रिस्पेक्ट सारे रिलीजन्स के लिए होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही नहीं, बट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में रहकर उसी के रिचुअल्स, उसी का कल्चर फॉलो करना चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि ना आप यहाँ के रहेंगे ना आप वहाँ के रहेंगे। बट ऐसा होता है कि मुस्लिम लड़के नॉन मुस्लिम से, या जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो मुस्लिम लड़कों से या लड़की से भी कई बार मैरिज करते हैं, ऐसे किस्से तो काफ़ी सुनने में आते हैं। उसके बाद में वो लोग कैसे अपने कल्चर को फॉलो करते होंगे या कैसे किस धर्म में मोस्टली रहते होंगे, आई हैव नो आइडिया। बट एक दो केसेस जो मेरे सामने हैं उसमें मैंने देखा है कि वो दोनों रिलीजन को रिस्पेक्ट देते हैं और अपने घर में दोनों की पूजा करते हैं। कहाँ तक ठीक है ये और कहाँ तक नहीं, आई एम नॉट द एक्सपर्ट टू कमेंट ऑन दैट। और बाकी उनकी अपनी श्रद्धा है, वो जैसे भी करते हैं, पता नहीं इस पर तो क्या ही कहें। लेकिन हाँ, जहाँ तक मुस्लिम्स का नमाज पढ़ने का सवाल है, वो हमें पता है कि मुस्लिम्स में बहुत ओपन रहते हैं कि चलो कहीं पर भी यहाँ पर साफ़ सुथरी जगह हो, वो साफ़ सुथरी जगह देखकर वुजू करके, अगर वुजू करने के लिए आपके पास पानी भी नहीं है तो साफ़ मिट्टी से आप वुजू कर सकते हैं और उसके बाद में आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो जगह को लेकर इतने ज़्यादा कुछ बाउंडेशंस नहीं है कि इस जगह पर या मंदिर में या यहाँ पर बैठकर ही आपको पूजा करनी है, आप कहीं पर भी नमाज अदा कर सकते हो। साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, बस दो ही कंडीशन होती हैं, एक जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए और सेकंड आपको वुजू करना चाहिए। अगर वुजू के लिए पानी नहीं है तो मिट्टी से ही कर लो, साफ़ सुथरी मिट्टी से ही कर लो, लेकिन ये दो रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। तो हमेशा डॉक्टर जाकिर नायक साहब की वीडियो कुछ ना कुछ तो नया मैसेज देखी जाती है, कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिलता ही रहता है, नई चीज़ें पता चलती हैं इस्लाम के बारे में। और ये वीडियो भी बहुत अच्छा है, और आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।